हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पूरे दिन भूखे और प्यासे रहकर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की प्रचलित कथा के मुताबिक करवा चौथ का उपवास रखने से पति के जीवन से संकट दूर होकर उसकी आयु लंबी होती है। इसी मान्यता के चलते त्योहार बहुत प्रचलित है। करवा चौथ व्रत जितना प्रसिद्ध है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पानी तक नहीं पीती। जी हाँ, आज भी कई घरों में महिलाएं करवा चौथ के दौरान पानी नहीं पीती। लेकिन आपको बता दें कि व्रत की प्रचलित कथाओं में कहीं भी पानी ना पीने के बारे में लिखा नहीं गया है, बल्कि अपने ही घरों और आसपास चली आ रही इस परंपराओं के चलते महिलाएं करवा चौथ के दिन पानी नहीं पीती। माना जाता है कि पहले करवा चौथ के दौरान जिन नियमों को अपना लिया जाता है, आगे सालों में आने वाले सभी व्रतों में उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन अगर आपको सेहत से जुड़ी परेशानी या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह करके ही पानी को अवॉइड करें। साथ ही अगर आपका ये पहला करवा चौथ है तो आप शाम की कथा के बाद पानी पी सकती हैं। वहीं जिन घरों में सरगी का चलन है वो सुबह सरगी खाने के साथ पानी भी पी सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।